हरियाणा में स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलेगा। इस कानून पर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि संविधान के अनुसार ये गलत है। देश प्रदेश के हर नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो। कानूनी रूप से तो इसे माना नहीं जा सकता, पर सरकार चाहे तो बिना कानून के भी कर सकती है। सरकार के लोकल रिजर्वेशन लॉ पर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे संविधान के अनुसार गलत बताया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया है, केवल और केवल हटाने का काम किया है। आपको बता दें कि हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी सेक्टर में आरक्षण मिलेगा। 15 जनवरी से स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020 लागू होगा। हरियाणा सरकार ने नया कानून बनाया है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। ये कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आदेश में कहा कि निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार जहां अपने इस कानून से युवाओं के प्रति अपनी सोच दिखा रही है, तो वहीं ओपी चौटाला के इस बयान से सियासी पारा गर्म हो गया है। अब सरकार ये तो बोल रही है कि उसने नौकरियां अब तक कितने लोगों को दी है, अब तक तो एक सिंगल को भी नहीं दिया। हटाए तो जरूर है। तो सर ये जो 30% इन्होंने किया है कि 70% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी जाएगी, क्या ये सही है? संविधान के मुताबिक तो ये गलत है। इस देश में हर नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का और किसी भी हिस्से का हो। कानून तो उसकी बात को नहीं बदला जा सकता। करने को तो हरियाणा सरकार अपने लेवल पर बिना कानून के भी चाहे तो कर सकती है।